हे गाइस, मैं हूं गौतम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन वन प्लस नॉर्ड एंड रियल मी एक्स टू प्रो। तो वन प्लस नॉर्ड का जो बेस वेरिएंट है वो आता है 25,000 का, वेर एज रियल मी एक्स टू प्रो का जो बेस वेरिएंट है वो आता है 30,000 का। वन प्लस नॉर्ड पे जो हमें प्रोसेसर मिलता है वो है स्नैपड्रैगन 765G, जो कि मिड रेंज का काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है। वहीं Realme X2 Pro पे हमें मिलता है Snapdragon 855 Plus, जो कि एक फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है। दोनों ही फोन्स सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं, साथ ही में दोनों फोन्स में एक एक सिम भी डाला हुआ है। मैंने डिस्प्ले को भी एक मिनट कर दिया है ताकि किसी भी फ़ोन पे डिस्प्ले बंद ना हो जाए जल्दी। और गाइस, दोनों ही फोन्स पे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर रन कर रहा है और जो रिफ्रेश रेट है वो दोनों ही फोन्स पे 90 हर्ट्ज़ पे सेट है। तो गाइज, ये दोनों फोन्स ही टॉप वेरिएंट्स हैं, दोनों में ही 12GB रैम और 256GB स्टोरेज देखने को मिलती है। तो गाइज, दोनों ही फोन्स को मैंने फुली चार्ज कर दिया है ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सके। तो गाइज, केबल्स निकाल लेते हैं, शुरू करते हैं रीबूट टेस्ट से। मैं बूट टेस्ट फिजिकल बटन से इसलिए नहीं प्रेफर करता क्योंकि उस पर गड़बड़ होने के चांसेस हो जाते हैं। तो X2 Pro पर रीबूट या पावर ऑफ करने के लिए स्लाइड करना पड़ता है, तो मैं इसलिए स्लाइड करके रखूंगा और इसको छोड़ूंगा नॉट पे रीबूट बटन को प्रेस करने के साथ। सो 3, 2, 1 गो। तो क्लियरली Realme X2 Pro फास्ट है बूट स्पीड में। तो गाइज, रीसेंट एप्स में कुछ नहीं है जैसा कि आप देख सकते हो। तो गाइज, स्क्रीन सजी हुई है, तो स्पीड टेस्ट शुरू करते हैं। पहला है Geekbench 5, 3, 2, 1 गो। तो X2 Pro क्विकर है यहाँ पे। नेक्स्ट है 3D Mark, 3, 2, 1 गो। तो फिर से X2 Pro फास्टर है। नेक्स्ट है N22, 3, 2, 1 गो। अगेन X2 Pro इज फास्टर। अगला है N22 AI Benchmark, 3, 2, 1 गो। तो क्लियरली X2 Pro फास्टर है। अब है YouTube, 3, 2, 1 गो। तो YouTube ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों पे। नेक्स्ट है Netflix, 3, 2, 1 गो। अगेन Realme X2 Pro तेज है। नेक्स्ट है Hotstar, 3, 2, 1 गो। तो गाइस, क्लोज था बट फिर से X2 Pro पे जल्दी लोड हुआ। नेक्स्ट है Prime Video, 3, 2, 1 गो। अगेन काफी क्लोज था बट X2 Pro इज फास्टर। नेक्स्ट है Spotify, 3, 2, 1 गो। तो Spotify पहले खुला है नॉर्ड पे, जो कि काफी सरप्राइजिंग है अभी तक के रिजल्ट देखते हुए। तो अगला है YouTube Music, 3, 2, 1 गो। तो अगेन काफी क्लोज था बट X2 Pro थोड़ा सा फास्ट था। अगला है Twitter, 3, 2, 1 गो। अगेन X2 Pro थोड़ा सा फास्ट था। एक बार प्रोफाइल पेज भी चेक कर लेते हैं। तो प्रोफाइल पेज पहले लोड हुआ है नॉर्ड पे, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि ऐप पहले लोड हुई थी X2 Pro पे। तो गाइज, ये है मेरा ट्विटर हैंडल और आप मेरे से जुड़ सकते हो ट्विटर पे मुझे फॉलो करके। नेक्स्ट है Instagram, 3, 2, 1 गो। तो क्लियरली Instagram फास्टर है X2 Pro पे। तो Instagram प्रोफाइल भी चेक कर लेते हैं, 3, 2, 1 गो। तो ऑलमोस्ट सेम था दोनों फोन्स पे। नॉर्ड ने लेट स्टार्ट होने के बाद भी कवर कर लिया था टाइम। तो गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मुझसे जुड़ सकते हो। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मेरे हैंडल सेम है, जो कि आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। नेक्स्ट है Flipkart, 3, 2, 1 गो। X2 Pro is faster। Next है Amazon,
3, 2, 1, गो। तो नॉर्ड पे पिन कोड पहले आया है तो इसलिए मैं कहूंगा कि नॉर्ड फास्टर है यहां पे। अगला है फोटोज, 3, 2, 1, गो। तो फोटोज ऐप पहले लोड हुई है नॉर्ड पे। नेक्स्ट है प्ले स्टोर, 3, 2, 1, गो। तो गाइज अगेन प्ले स्टोर तेज है नॉर्ड पे। तो अगली ऐप है पबजी, 3, 2, 1, गो। तो गाइज मैंने गेम स्पेस ऑफ किया हुआ है दोनों ही फोन्स पे, बट स्टिल X2 प्रो पे ये पॉपअप आ रहा है फॉर सम रीजन। तो गाइज पबजी पहले लोड हो गई है नॉर्ड पे जो कि काफी इंप्रेसिव है। तो गाइज नेक्स्ट है फोर्टनाइट, 3, 2, 1, गो। तो गाइस फोर्टनाइट जो है वो पहले लोड हुई है X2 प्रो पे। तो नेक्स्ट है कॉल ऑफ ड्यूटी, 3, 2, 1, गो। तो कॉल ऑफ ड्यूटी काफी तेज थी X2 प्रो पे। तो गाइस हमारी आखिरी गेम है लाइफ आफ्टर, 3, 2, 1, गो। तो गाइज इस टाइम नॉर्ड पे पहले लोड हुई है गेम। तो दो गेम्स पहले लोड हुई है X2 प्रो पे और दो पहले लोड हुई हैं नॉर्ड पे। तो काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है इस मिड रेंज प्रोसेसर की। नेक्स्ट है स्पीड टेस्ट, 3, 2, 1, गो। तो गाइज ऑलमोस्ट सेम ही था बट स्लो मोशन में देखने के बाद पता चला कि X2 प्रो तेज था बट सिर्फ कुछ ही मिली सेकेंड्स का फर्क था। तो गाइज अब मैं वाईफाई स्पीड टेस्ट करूंगा एक एक करके, दोनों ही सेम वाईफाई पे कनेक्टेड हैं। तो पहले चेक कर लेते हैं X2 प्रो पे। अब चेक कर लेते हैं नॉर्ड पे। तो यहाँ पे नॉर्ड पे थोड़े बेटर रिजल्ट्स आए हैं जो कि सरप्राइजिंग है। अगला है फास्ट, तो इस पे ऑटोमेटिकली टेस्ट शुरू हो जाता है तो पता चलेगा कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा डेटा खींच पाता है। 3, 2, 1, गो। तो क्लियरली X2 प्रो पे डेटा ज़्यादा मिल रहा है। और डाउनलोड स्पीड भी बेटर आई है X2 प्रो पे। तो X2 प्रो पे आई है 140 Mbps की अपलोड स्पीड और नॉर्ड पे आई है 120 Mbps की अपलोड स्पीड। सो क्लियरली X2 प्रो बेटर है यहाँ पे। अगली ऐप है Paytm, 3, 2, 1, गो। तो अगेन Paytm थोड़ा फास्ट है X2 प्रो पे। नेक्स्ट है फाइल मैनेजर, 3, 2, 1, गो। तो एकदम इंस्टेंट था X2 प्रो पे जो कि काफ़ी अमेजिंग है। अगेन इंस्टेंट था X2 प्रो पे। अगला है क्रोम, 3, 2, 1, गो। तो अगेन X2 प्रो इज फास्टर। अब है गैलरी ऐप, 3, 2, 1, गो। अगेन X2 प्रो। और फाइनली है कैमरा ऐप, 3, 2, 1, गो। तो अगेन X2 प्रो फास्टर है। एक बार फोटो क्लिक करके चेक कर लेते हैं तो फोटो क्लिक करने में नॉट फास्टर है। तो गाइज अब रैम मैनेजमेंट चेक कर लेते हैं। दोनों ही फोन्स 12 GB रैम वाले हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये चेक करना। तो चलो चेक करते हैं। तो गाइज दोनों ही फ़ोन पे गैलरी ऐप रीलोड हुई है। नेक्स्ट है क्रोम, तो क्रोम दोनों पे ही मेमोरी में है। नेक्स्ट है फ़ोन ऐप, तो फ़ोन ऐप रीलोड हुई है नॉर्ड पे।
नेक्स्ट है फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर भी दोनों पे मेमोरी में है। नेक्स्ट है पेटीएम ऐप, दोनों में ही मेमोरी में है। नेक्स्ट है फास्ट, ये भी मेमोरी में है। नेक्स्ट है स्पीड टेस्ट, ये भी मेमोरी में है। नेक्स्ट है लाइफ आफ्टर, ये भी दोनों पे मेमोरी में है। नेक्स्ट है कॉल ऑफ ड्यूटी और ये भी मेमोरी में है दोनों फोन्स पे। नेक्स्ट है फोर्टनाइट और ये दोनों भी मेमोरी में है। नेक्स्ट है पबजी, तो पबजी भी मेमोरी में है। तो गाइज नेक्स्ट है प्ले स्टोर, ये भी मेमोरी में है। नेक्स्ट है गूगल फोटोज, ये भी मेमोरी में है। उसके बाद है अमेज़ॉन, अमेज़ॉन की ऐप ऐसे ही ब्लिंक करती है अगर आप दोबारा ओपन करो तो मुझे नहीं लगता ये रीलोड हुई है। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट और फ्लिपकार्ट भी मेमोरी में है। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम और ये भी मेमोरी में है। नेक्स्ट है ट्विटर और ट्विटर भी मेमोरी में है। नेक्स्ट है यूट्यूब म्यूजिक, तो ये भी मेमोरी में है। स्पॉटिफाई भी मेमोरी में है। नेक्स्ट है प्राइम वीडियो और प्राइम वीडियो रीलोड हो गई है नॉर्ड पे। नेक्स्ट है हॉटस्टार और हॉटस्टार भी रीलोड हो गई है नॉर्ड पे। नेक्स्ट है नेटफ्लिक्स और नेटफ्लिक्स ऐप दोनों पे ही रीलोड हुई है। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि X2 Pro पे ऐप्स स्क्रॉल करने का एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ है। नेक्स्ट है YouTube और YouTube दोनों पे ही रीलोड हो रहा है। नेक्स्ट है AnTuTu AI Benchmark और दोनों पे ही ऐप मेमोरी में है। नेक्स्ट है AnTuTu भी मेमोरी में है। नेक्स्ट है 3D Mark, तो 3D Mark भी मेमोरी में है। और फाइनली Geekbench 5 जो कि रीलोड हुई है दोनों ही फोन्स पे। तो गाइज ये था स्पीड टेस्ट OnePlus Nord और Realme X2 Pro के बीच में। और नो डाउट Realme X2 Pro पे हमें काफ़ी प्रीमियम एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, बट Nord जो कि एक मिड रेंज प्रोसेसर के साथ आता है उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और कुछ ऐप्स तो जल्दी खुल गई थी Nord पे। एक बार बैटरी भी चेक कर लेते हैं तो दोनों पे ही 6% बैटरी कम हुई है। और टेम्परेचर चेक करें तो X2 Pro पे टेम्परेचर है 40.8 डिग्रीज और Nord पे टेम्परेचर है 42.2 डिग्रीज। Realme X2 Pro और OnePlus Nord में प्राइस का डिफरेंस जो है वो है 5000 का बेस वेरिएंट में, 4000 का है 8128 वेरिएंट में और 6000 का डिफरेंस है 12256 वेरिएंट में जो कि टॉप वेरिएंट है। तो गाइज स्पीड टेस्ट देख के आपको क्या लगता है, क्या ये प्राइस डिफरेंस वर्थ है थोड़ी सी स्पीड के लिए? तो अपने व्यू जरूर शेयर करना मेरे साथ कमेंट सेक्शन में और बताना मुझे कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। तो गाइज मैं इसका बैटरी चार्जिंग स्पीड टेस्ट और बैटरी ड्रेन टेस्ट भी बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइज बस इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।